अपने टाइटल में पहले लगाते थे अरुण कुमार बानगी, एके बानगी मैं लगाया। अब एके बानगी कहते थे तो लोग भ्रम में पड़ जाते थे कि आखिर भाई अरुण कुमार गुप्ता एके बानगी, बानगी में तो कोई जात का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रमाण प्रूफ नहीं लग रहा है। तो पूछना पड़ता, अब लोग सर्वे करना शुरू करता था, 10-10 मिनट हमारा समय किल करना शुरू करता, अंत में मजबूर होकर फिर हमको गुप्ते में आना होगा कि समाज को पहले हम समझावें। मैं एके बानगी अरुण कुमार बानगी रखा, उसके बाद का हुआ कि तब लोग कहे ऐसा क्या नाम हुआ, तो मेरा नाम तो एके बानगी अरुण कुमार बानगी, तो पिताजी का नाम तो मैं डॉक्टर गया प्रसाद। मतलब इससे जब जाति का बोध नहीं होता था तो सर्वे करना शुरू कर देता था, समझे ना। तो मैं कम से कम मैं दिग्भ्रमित समाज को नहीं रखना चाहता हूँ, मैं हलवाई जाति से आता हूँ, देहात में कानू जिसको कहते हैं, हलवाई जाति बना दिया मनुस्मृतिकारों ने, तो मैं हलवाई जाति में आज तक जातीय सम्मेलन में मैं कहीं नहीं गया। मैं इंसान जाति का हूँ, मैं चमार को भी नहीं मानता हूँ, न ब्राह्मण को मानता हूँ, सभी को मैं इंसान मानता हूँ। मैं इंसान का औलाद हूँ और इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, और हैवान की जाति मेरी नहीं है, इसलिए मैं हैवानियत का काम नहीं करने वाला हूँ। इसीलिए मैं चमार और ब्राह्मण में एक रूपता एक दृष्टि से देखना चाहता हूँ। वो न ऊँच है न चमार नीच है, दोनों बराबर है, ऐसी व्यवस्था को मैं प्रश्रय देता हूँ, करता हूँ। और समाज में जब तक ये नहीं आएगी, समता नहीं आएगी, भाईचारा नहीं होगा, शांति नहीं होगा। जहाँ जहाँ समता है वहीं शांति है, जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। चीना जितना क्यों आगे बढ़ गया, चूँकि वहाँ समता है, भाईचारा है, बराबरी है, यहाँ क्यों अविकसित है।